दोस्तों, ये एक ऐसी हैंडबुक है जो आपको आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन की गई है। ऐसा करके लीडरशिप एक्सपर्ट जर्मी क्यूबिक और स्टीव कॉकराम बताते हैं कि आप किस टाइप के कम्युनिकेटर हैं और उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये समरी 5 कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजीज को बताती है और टिप्स और ट्रिक्स का ऐसा खजाना प्रोवाइड कराती है जो आपको बिना लोगों का सामना किए आपके बेस्ट पॉइंट्स को पकड़ने में हेल्प करती है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं जर्मी क्यूबिक, जो लीडर कास्ट कॉन्फ्रेंसेस के सीईओ थे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लीडर्स को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है। इस किताब के दूसरे ऑथर हैं स्टीव कॉकराम, जो जाइंट वर्ल्ड विड के को फाउंडर है और यह एक ऐसी कंपनी है जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड है। आइए दोस्तों, इस किताब की हिंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। कम्युनिकेशन में एक क्रैश कोर्स। दोस्तों, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने डायलॉग के जरिए से अपनी थ्योरीज को डेवलप किया था। डायलॉग, जैसे कि उनका मानना था, जिस तरीके से ग्रेट आइडियाज पहली बार सामने आते हैं, वे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि यह एक तरीके के वर्बल बैलेंस को मैच करके हर कंटेस्टेंट को क्लियर करता है और दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर भी सुधार करता है। अपनी बेस्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन ओपन, समझने लायक और लगातार एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ एक डिस्प्यूट हुआ है या हाल ही में एक मीटिंग हुई है, तो आपको पता होगा कि असल दुनिया में कम्युनिकेशन इस आइडियल से काफी अलग हो सकता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने समझने के तरीके, दूसरों की बातें सुनना और खुद की बातों को रिपीट करना बहुत ईजी होता है। दोस्तों, तो क्या गलत हो रहा है? खैर, जर्मी क्यूबिक और स्टीफन कॉकराम का मानना है कि उन्होंने इस सभी अननेसेसरी स्ट्रगल की वजह ढूंढ निकाली है। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि दूसरों से कैसे बात करें, तो यह इसलिए है क्योंकि आपको यह रियलाइज नहीं हुआ है कि हर कोई डिफरेंट वॉइस का होता है। लोग कई सारी आवाजों के बीच स्विच करते करते अक्सर एक डोमिनेंट वॉइस पर आ जाते हैं। इन सभी यूनिक वॉइसेस में से एक के कम्युनिकेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की परख हमें इस बारे में ज्यादा ध्यान देने लायक बनाती है कि कब किसी एक वॉइस का यूज करना है और कब दूसरे का यूज करने से बचना है। और यह नजरिया ऑफिस और पर्सनल कॉन्वर्सेशन दोनों को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग बनाता है। दोस्तों, नर्चरर्स यानी भलाई करने वाले खुद के बजाय दूसरों की परवाह करते हैं और अक्सर भुला दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। जब कम्युनिकेशन की बात आती है, तो लेखक 5 अलग अलग वॉइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका हम अभी यूज करते हैं। हम उन सिचुएशन के बेस पर उनके बीच स्विच करते हैं जिन्हें हम खुद के लिए बेस्ट पाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग एक ही डोमिनेटिंग वॉइस पर वापस आ जाते हैं, जो कि हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का एक प्राइमरी रिसोर्सेस होता है। तो दोस्तों, ये वॉइसेस कौन सी हैं? ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस देता है और ग्रुप हार्मनी पर जोर देता है, तो आपकी प्री डोमिनेंट वॉइस यानी मुख्य आवाज एक नर्चरर यानी एक भले मानुष की है। दोस्तों, नर्चरर्स अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी खुद की परवाह नहीं करते हैं। वे अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपने से आगे रखते हैं और उन एनवायरनमेंट्स में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जहां मर्सी और शेयर्ड वैल्यूज पहले आती हैं। नर्चरर्स मौजूदा वक्त से जुड़े रहते हैं, वे प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं ताकि ये श्योर कर सकें कि फ्यूचर में वे रिलेशनशिप्स और कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। नर्चरर्स का मानना है कि लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को ज्यादा अहमियत दो, प्रॉफिट्स को नहीं। उदाहरण के लिए, एक न्यूट्रिशन मैनेजर एम्प्लॉय से बात करने के लिए एक्स्ट्रा घंटे लगाएगा और ये पक्का करेगा कि वे अपने काम से खुश है कि नहीं, मोटिवेटेड फील करते हैं कि नहीं, और क्या उनके पास वो सब कुछ है जो उनको उनकी जॉब को अच्छे से करने के लिए जरूरी है। काम के अलावा एक नर्चरर उस तरीके का पर्सन होता है जो किसी फ्रेंड को नए अपार्टमेंट में शिफ्ट करने में हेल्प करने के लिए अपने प्लान्स को कैंसिल कर देता है। ये सब पॉजिटिव लगता है दोस्तों, है ना? ऐसा है भी, लेकिन नर्चरिंग टाइप्स के लोग अक्सर एक प्रॉब्लम में चले जाते हैं। वह खुद को सुनने के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका बड़ा असर हो सकता है। आखिरकार नर्चरर्स लोगों की वेलबींग पर अपनी नजर रखेंगे, जबकि बाकी सभी लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए
हाथ पांव मार रहे होंगे। उनके बिना कंपनीज एक डॉग ईट डॉग के कल्चर को गले लगाने का रिस्क उठाती है, जो लॉन्ग टाइम में अपने मोरल से दूर हो जाती है। लेकिन क्योंकि वे बाय नेचर पोलाइट होते हैं, इसलिए नर्चरर्स अक्सर अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन का इवैल्यूएशन करते हैं और बोलने की बजाय अपने सर को नीचे झुकाए रखते हैं। और यहाँ की एक क्रेजी बात यह भी है दोस्तों, ऑथर की कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 43% पॉपुलेशन नर्चरर से भरी हुई है। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो खुद को सीरियसली नहीं लेती है। हम इस बारे में बाद में पता लगाएंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले आइए दूसरी वॉइसेस यानी दूसरे लोगों पर भी करीब से नजर डाल लेते हैं। क्रिएटिव लोग इनोवेशन की वॉइसेस होते हैं, लेकिन लोगों को अक्सर उनके आइडियाज को समझने में परेशानी होती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आपकी डोमिनेंट वॉइस क्या है दोस्तों, चलो पता करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कल्पना करते हैं और हमेशा फ्यूचर की ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हुए इन्वेंशन या बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचते हैं, तो चांसेस है कि आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। यह इनोवेशन और चेंज की वॉइस होती है दोस्तों। आपकी लाइफ के हर पड़ाव पर क्रिएटिव लोगों को आप पाएंगे। किसी नोट को पोस्ट करने के पीछे जो माइंडसेट है वो एक क्रिएटिव ही है। इस तरीके के आर्टिस्ट्स, इंजीनियर्स और गैराज में शौकिया तौर पर काम करने वाले लोग या बिल्डिंग को इंसुलेट करने का आइडिया सोचने वाले लोग, ये सभी क्रिएटिव ही तो हैं। इन सभी में जो बात कॉमन है वो यह है कि पुराने सवालों का नए तरीके से जवाब देने में इंटरेस्ट रखते हैं और पूछे जाने वाले सवालों को फिर से डिफाइंड करने के लिए सेट होते हैं। ऑथर्स का अनुमान है कि क्रिएटिव लोग काफी रेयर स्पेसीज है। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन का सिर्फ 9% ही इस कैटेगरी में आता है। क्रिएटिव लोग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की ओर ज्यादा झुके हुए होते हैं और वे इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया से परे हटके सोच रखते हैं, जैसे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड नॉन प्रॉफिट जैसे फील्ड से जुड़े रहते हैं। क्रिएटिव्स के साथ काम करना दूसरी पर्सनालिटी टाइप्स के लिए इंटेंसली सुखद और घोर निराशा वाला दोनों ही हो सकता है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट इनोवेटिव और निराशावादी लोगों के बीच एक महीन लाइन होती है। लेकिन यह एकमात्र इशू नहीं है दोस्तों, क्रिएटिव भी दूसरों को अपने आइडियाज को समझाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों है? वेल, क्रिएटिविटी मोटिवेशन और सीरियसनेस के बारे में है और ये बहुत मेसी भी हो सकती है। जब क्रिएटिव्स अपनी आइडियाज को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका नजरिया अक्सर उनकी ऑडियंस को ठंडा या कंफ्यूज कर देता है। क्रिएटिव्स के लिए यह एक पेनफुल एक्सपीरियंस है और ये अक्सर उन्हें अपने आप में वापस ले जाता है। इसे पॉल से समझते हैं, जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर है जिन्होंने ऑथर के साथ काम किया था। जब उन्होंने एक ब्रांडिंग कैंपेन के लिए अपने आइडियाज को पेश किया तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक हफ्ते बाद टीम के एक दूसरे मेंबर ने लगभग उसी आइडिया को ज्यादा क्लैरिटी और टैलेंट के साथ पेश किया और टीम को यह पसंद आया। कुछ एक्सपीरियंस है जहां एक क्रिएटिव के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम आका जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्रिएटिव्स के लिए यह होता है कि वे अपने आइडियाज को पेश करते वक्त ज्यादा अट्रैक्टिव कॉन्वर्सेशन पर अधिक ध्यान दें। और नॉन क्रिएटिव लोगों के लिए यह सजेशन है कि वह यह दिखाने की कोशिश करें कि वह क्रिएटिव्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। गार्जियंस ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वह ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आप पॉलिटिकल बिलीव्स पर अलग अलग वॉइसेस को सुनते हैं तो यकीनन आप गार्जियंस को कंजर्वेटिव पाएंगे दोस्तों। चाहे आप कंजर्वेटिज्म को पुरानी बुराइयों को छुपाने के बजाय के रूप में मानते हैं या नए लोगों के खिलाफ एक नेसेसरी वॉर के रूप में देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि यह सोसाइटी में एक क्रिटिकल वॉइस है। तो असल में गार्जियन किस लिए खड़े होते हैं? खैर, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनका प्राइमरी पर्पस चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना होता है और पुराने तरीकों को प्रोटेक्ट करना होता है। नर्चरर्स की ही तरह गार्जियंस प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। हालांकि उनका मोटिवेशन लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं होता है, लेकिन वे अननेसेसरी चेंजेस के वो खिलाफ ही रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे करंट सिस्टम में नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव को देखते हैं दोस्तों, और इसकी कमियों के बजाय उनकी सक्सेस पर जोर देते हैं। कंजर्वेटिव की तरह गार्जियंस को अक्सर एक प्रेस हमेशा बुरा ही मिलता है। ओपननेस एंड इनोवेशन वाले इस युग में गार्जियंस को बोरिंग एंड रुकावट के रूप में देखे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है।
एज अ रिजल्ट उन्हें अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बहुत से लोग कम से कम सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन में बहस करते हैं और इस तरह यह कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वे सभी क्लेवर नहीं हो सकते हैं। यह डिसमिस्ड करने वाली अप्रोच इस फैक्ट को बताती है कि जनरली प्रेजेंट ऑर्डर का बचाव करने के लिए गार्जियंस के पास बहुत अच्छे रीजंस होते हैं। गार्जियंस को उनके प्रैक्टिकल और रियलिज्म की वजह से जाना जाता है। ऐसी क्वालिटीज जो उन्हें नए आइडियाज की कमियों को जल्दी से पहचानने को अलाउ करती है। हाईली एम्बिशियस और अनफैमिलियर स्कीम्स को रिजेक्ट करने से गार्जियंस अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत सा टाइम, एनर्जी और मनी बचाते हैं जो किसी और डेड एंड प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा सकते हैं। यह बात उन डील्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी लागू होती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी कंपनी कट प्राइस मैजिक बीन्स का एक ऑफर पेश करती है तो आप इस बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि गार्जियन आपको सही सही बता देंगे कि इसकी फसल में कितनी मेहनत लगेगी और क्या नेक्स्ट क्वार्टर में यह फसल खड़ी हो पाएगी या नहीं। वह बोरिंग हो सकते हैं लेकिन गार्जियन एक ऑर्गेनाइजेशन और उनके उन लापरवाह जोशीले डिसीजंस के बीच खड़े होते हैं जो एक ही दिन में ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। कनेक्टर्स लोगों को एक साथ लाते हैं, नए रिलेशनशिप बनाते हैं और मौजूदा रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक जबरदस्त पार्टी रखी है दोस्तों और उसमें अपनी लाइफ से जुड़े डिफरेंट एरियाज के लोगों को इन्वाइट किया है। उसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स और नेबर्स सभी शामिल हैं। यह बहुत मुश्किल हो सकता है कि एक ही जगह पर सभी को इकट्ठा किया जाए और उनको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कराया जाए, है ना दोस्तों। खैर, यह ऐसी सिचुएशन है जहां कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यह वो लोग होते हैं जो इजीली सभी लोगों को एक साथ लाते हैं और जो अजनबियों के साथ ऐसे घुल मिल सकते हैं जैसे कि वह उन्हें सालों से जानते हैं। आप कनेक्टर्स को उनकी बातूनी बातों के साइन से पहचान सकते हैं। अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो एक कनेक्टर एक फेलो एम्प्लॉय तक पहुंच जाएगा और इशू को जल्दी और एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए बहुत ही सही बंदा होगा। कनेक्टर्स भी अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ उदार होते हैं। अगर आप एक नई जॉब की तलाश कर रहे हैं और एक कनेक्टर किसी काम पर रखने वाले पर्सन को जानता है तो वह डेफिनेटली आप दोनों को कॉन्टैक्ट में रखेगा। ऐसे शानदार लोगों के स्किल्ड होने के साथ उनका नेगेटिव पार्ट ये होता है दोस्तों कि उनके कॉन्टैक्ट्स में से कुछ एकाध ही होते हैं जो ट्रू फ्रेंड्स निकलते हैं। सोशल बटरफ्लाई होना इसका सबसे आम दोष होता है दोस्तों, क्योंकि जो बहुत सारे दोस्त रखते हैं उनके खास दोस्त तो कम होते ही हैं ज्यादातर देखा गया है दोस्तों। कहने का मतलब है कि कनेक्टर्स वर्क प्लेस की तरह की फॉर्मल सेटिंग्स में पनपते हैं, असल में वे किसी भी टीम या कंपनी के लिए इन वैल्यूएबल एडिशंस की तरह होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वे हमेशा एक्सीलेंट मोटिवेटर होते हैं और लगभग हर एक्टिविटी के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं। और अगर वह किसी चीज से इम्प्रेस्ड हो गए हैं या इसे काम का पाते हैं तो वह इसे खुद तक ही सीमित नहीं रखते हैं। एक कनेक्टर जो अचानक से प्यार की खोज में होता है, जल्दी उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी उसके साथ देश के चारों ओर घूमते हुए मिलेंगे दोस्तों। ये सभी सिम्टम्स एक बात की ओर जोर देते हैं कि कनेक्टर्स कोलैबोरेशन को बढ़ाते हैं और हर किसी को शामिल करने और ऑफिस में फन और मजे के लिए हमेशा से तैयार रहेंगे। यह बात उन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी वैल्यू के रूप में जोड़े रखती है, जो कि टीम वर्क के लिए एक बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। पाइनियर्स अपने टारगेट को हासिल करने के लिए जिद्दी होते हैं और कड़े डिसीजंस लेने से भी नहीं कतराते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करना इम्पॉसिबल ही है। यह जरूरी नहीं है कि उनके पास सबसे लाउडेस्ट वॉइस हो, ऐसा इसलिए हो, हालांकि वे अक्सर ऐसा ही करते हैं। इतना ही नहीं, फैक्ट यह भी होता है कि उनकी पोजीशन से उनको कोई भी हिला नहीं सकता है, चाहे वे सही हो या गलत हो। वह अपने इश्यूज को लेकर इस तरीके से मजबूत विश्वास के साथ बहस करेंगे कि उनका मुकाबला करना किसी लहर से सही सलामत टकराकर वापस आने की कोशिश करने जैसा होता है दोस्तों। अगर ये जानकर आपके दिमाग में घंटी बजती है तो पॉसिबल है कि आप एक पाइनियर हो सकते हैं। अगर पाइनियर जिद्दी होते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि वह स्ट्रैटेजिक थिंकर्स होते हैं, जिनके पास अपने पर्सनल और बिजनेस गोल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर विजन होता है। इस तरीके से आगे बढ़ना एक मालगाड़ी के सामने पटरियों पर चलने के जैसा होता है दोस्तों, आप वहां कुचले जा सकते हैं। उनकी दूसरी खासियत है एम्बिशन। पाइनियर्स कभी भी कॉफी शॉप या बर्गर जॉइंट्स
नहीं खोलते, वे अपने मामूली एंटरप्राइज विजन को एक वर्ल्ड वाइड कमर्शियल एम्पायर की तरह जगह जगह फैला देना चाहते हैं और स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स के रूप में सक्सेसफुल बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक कॉफी शॉप या एक बर्गर जॉइंट नहीं खोलते दोस्तों, उनके दिमाग में 600 सिटीज, 100 कंट्रीज, ऐसे चलता है उनका दिमाग। ये सब फेम और फॉर्च्यून बड़े ही कठिन डिसीजंस और इरादों से नसीब होता है दोस्तों, और ठीक यही काम पाइनियर्स करते हैं। जैसा कि वैसे देखते हैं, वर्क एक गेम की तरह है और एक विनर इसको सही तरीके से जीत लेता है। पर्पस चाहे जो भी हो, पाइनियर्स किसी भी तरीके से इसे जीतने के लिए रेडी रहते हैं। उनके हिसाब से शतरंज में लंबी चाल को सिक्योर करने के लिए कभी कभार प्यादों की बलि देनी पड़ती है। इसे एक स्ट्रगल करती हुई कॉस्मेटिक बिजनेस की इंग्लिश सीईओ जेन फार्डन से समझते हैं दोस्तों। एक रिसेशन ने कंपनी को इस हद तक तोड़ दिया कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि एकमात्र उपाय यही था कि कामकाज बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन याद है ना कि हमने पहले कहा था कि सभी लोगों की अपनी डिफरेंट वॉइसेस होती है। खैर, जेन के अंदर का नर्चरर उसे बिजनेस में टिके रहने को बोल रहा था। आखिरकार अगर उसने बिजनेस बंद कर दिया होता तो उसके एम्प्लॉयज काम से बाहर हो जाएंगे। हालांकि ऑथर्स की मदद से उसने महसूस किया कि उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस उसका इनर पाइनियर होना था और उसे उस एटीट्यूड पर भरोसा करना सीखना चाहिए। उसने कंपनी को बंद कर दिया और फिर से जमीन से यानी स्टार्टिंग से कॉस्मेटिक एम्पायर खड़ा कर दिया। आज उसका नया बिजनेस बढ़ रहा है और जेन ने अपनी पाइनियर एंड न्यूट्रिशियस वॉइसेस के बीच के स्ट्रगल को खत्म करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया है दोस्तों, जबकि उसने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप उठाया। अब कंपनी का दिन ब दिन बढ़ता हुआ कारोबार भरोसेमंद गार्जियंस और नर्चरर्स के सुरक्षित हाथों में है दोस्तों। नर्चरर्स को बोलने के लिए इनकरेज करें और क्रिएटिव्स को दायरे के बाहर सोचने को अलाउ करें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो दोस्तों अब तक आपको 5 वॉइसेस की अच्छी समझ हो जानी चाहिए, लेकिन क्या होगा दोस्तों जब आप उन सभी को एक रूम में एक साथ लाते हैं। अगर आप बाद में एक टीम मीटिंग में आए हैं तो आपको पहले से ही इसका जवाब पता चल सकता है। लाउडेस्ट लोग ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं जबकि शांत लोग एक साइड में बैठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगले 2 पैराग्राफ्स में हम इस पर एक नजर डालेंगे कि आप टीम के हर एक मेंबर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नर्चरर्स के साथ। जैसा कि हमने देखा है कि अक्सर नर्चरर्स अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन को कम आंकते हैं और शायद ही कभी उसके बारे में बोलते हैं। यह मेन बात यह है दोस्तों कि क्लियरली उन्हें खुद को सुनने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, और जब नर्चरर्स बोले तो ज्यादा आउटस्पोकन मेंबर्स पर लगाम लगानी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा ओपिनियंस को नर्चरर्स अपनी बारी आने से पहले सुनेंगे उतना ही कम कॉन्फिडेंस उनको अपने आइडियाज को पेश करने में होगा दोस्तों। शुरुआत करने के लिए एक नर्चरर को यह समझाएं कि उसके आइडियाज रियलिटी में वैल्यूएबल है। ऐसा करने के लिए आपको यह क्लियर करना होगा कि आप समझते हैं कि उसकी वॉइस आपकी कंपनी पर डिपेंडेंट लोगों की चिंताओं को सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करती है, चाहे वे स्टाफ हो या कस्टमर्स हो। नेक्स्ट स्टेज में टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि नर्चरर्स के आइडियाज की क्रिटिसिज्म किसी भी वक्त नहीं होनी चाहिए। आप उसे कपड़े में लपेटना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वह ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए तो यह उसकी सुरक्षा करने में हेल्पफुल होता है दोस्तों। अगर उनके आइडियाज सही में पॉसिबल नहीं है तो अपने क्रिटिकल व्यू को साइड में रखें और समझदारी से पर्सनल होने की बजाय सॉलिड प्रूफ देकर आपको बताएं कि आखिर क्यों उनके आइडियाज ने काम नहीं किया है। नेक्स्ट है क्रिएटिव्स। यहां आपको क्रिएटिव्स के रोल को फिर से डिफाइन करने की जरूरत है ताकि आप उनको फ्री होकर दायरे के बाहर सोचने को अलाउ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि क्रेजी आइडियाज को एक्सीलेंट होने के लिए टाइम और कंसिडरेशन की जरूरत होती है, इसलिए आपको उन्हें सीधे रिजेक्ट करने का विचार नहीं करना चाहिए। लास्ट में आपको इस फैक्ट के साथ जीना सीखना होगा कि कुछ विचार डूड जैसे भी होंगे, बस उनके बारे में इस तरीके से सोचिए कि रफ स्केचेस आगे चलकर मास्टरपीस बनते हैं दोस्तों। टीम के दूसरे मेंबर्स को ये समझाते हुए और उन्हें स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कहिए दोस्तों, और इसके बजाय प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके आइडियाज को क्लैरिफाई करिए। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग करिए दोस्तों। गार्जियंस को टफ क्वेश्चंस पूछने दीजिए। कनेक्टर्स के पैशन को इनकरेज करने
और पाइनियर्स को बोलने देने से मीटिंग्स कहीं ज्यादा पॉजिटिव होंगी। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि अपनी टीम ने अपने थॉट्स और इनसाइट्स को शेयर करने के लिए शांत वॉइसेस को कैसे इनकरेज किया जाए। अब यह पता लगाने का वक्त आ गया है दोस्तों कि ज्यादा बोरिंग टाइप्स के साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए गार्जियंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गार्जियंस चेंजेस को लेकर हमेशा डाउटफुल ही रहते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें एक रुकावट के रूप में देख सकते हैं। वे अपने टफ क्वेश्चंस को एक हेल्दी कंपनी कल्चर्स के जरूरी हिस्से के रूप में देखते हैं। यह बात यह होती है दोस्तों कि वह सही है। इसका मतलब यह है कि यह आपका काम है कि आपकी टीम के बाकी मेंबर्स को समझाएं कि गार्जियन एनिमी नहीं है, और जब वे ध्यान से स्ट्रक्चर्ड नोट्स के साथ मीटिंग्स में बोलते हैं और डिटेल्स की जड़ तक जाने के लिए हर पॉइंट पर जोर देते हैं, तो यह ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए ही होता है दोस्तों। तो आप ये कैसे करेंगे? खैर, दूसरी टाइप की पर्सनालिटीज को याद दिलाना एक अच्छा आइडिया है कि गार्जियंस किस खतरे से कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार खराब प्लान्ड प्रोजेक्ट से चिपके रहना किसी के भी हित में नहीं है दोस्तों, जिसमें वे क्रिएटिव टाइप्स भी शामिल हैं जिन्होंने शायद उस प्रोजेक्ट को प्रपोज्ड किया था। अब हम करेक्टर्स पर आते हैं दोस्तों। यहां यह सभी टाइमिंग के बारे में है। एक बार जब गार्जियन अपने फोरेंसिक एनालिसिस और क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ कंप्लीट कर ले, तो चीजें करेक्टर्स को सौंपी जाती है और उन्हें पूरी टीम का उत्साह बढ़ाने और मोटिवेट करने के लिए अपनी सोशल स्किल्स पर छोड़ देते हैं। एक लास्ट टिप यह है दोस्तों, कनेक्टर्स नॉर्मली बहुत इमोशनल होते हैं, इसलिए उन्हें पर्सनली क्रिटिसाइज करने के बजाय सावधान करना ना भूले दोस्तों। लास्ट में पाइनियर्स आते हैं। आपने गेस किया होगा कि उन्हें लास्ट में बोलने के लिए कहना एक अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि वह एक मीटिंग में सबसे मेन कैरेक्टर होते हैं। अगर वह अपनी बारी का वेट करने के बाद भी चीजों को बिगाड़ दें और बाकी मेंबर्स की कड़ी आलोचना करते हैं, तो उन्हें चीजों को क्रिएटिव और स्ट्रांग बनाने के लिए याद दिलाइए दोस्तों। तो इन टिप्स को प्रैक्टिस में लाने से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नर्चरर्स, क्रिएटिव्स, गार्जियंस, कनेक्टर्स और पाइनियर्स को एक साथ एक टीम में काम करने और उनके आइडियाज को एक टेबल पर लाने में मदद मिलेगी दोस्तों। सबसे इफेक्टिव टीम मैनेजर्स अपने खुद के एग्जाम्पल्स के बूते पर टीम को लीड करते हैं और अपनी खुद की वॉइसेस को कंट्रोल करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब एक फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता रही होती है, तो वह आपको दूसरों, विशेष रूप से बच्चों की मदद करने से पहले अपनी खुद के ऑक्सीजन मास्क को सेव करने के लिए याद दिलाती है। ये तो सबको पता ही है दोस्तों। इसका एक अच्छा कारण है, अगर आप बेहोश हो जाएंगे तो आप किसी के लिए कैसे काम कर पाएंगे दोस्तों, और आप किसी काम के ही नहीं रहेंगे। सेम यही बात ऑफिस में टीम लीडर्स पे भी लागू होती है। अगर वे अपनी वॉइसेस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है कि वे टीम के दूसरे मेंबर्स को अपने कंट्रोल में रख पाने में केपेबल हों। इसी वजह से एग्जाम्पल बनकर लीड करना इतना इंपॉर्टेंट है। और याद रखें कि आपकी वॉइस टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेफिनेटली जब आप खुद सही में आपकी अपनी प्रायोरिटी में नहीं होते हैं, तो डिस्कशंस पर अपनी मेन वॉइस को रखना मुश्किल होता है। मेन बात है अपनी ऑथेंटिक वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करना दोस्तों। अगर आप एक नर्चरर हैं, तो एक हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट और ह्यूमन कंपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने पर अपना फोकस करने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर आप एक गार्जियन हैं, तो आपका गोल फाइनेंशियल कंजर्वेटिज्म को मेंशन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रूवन सिस्टम्स और ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपनाना और उन्हें सेव करना होना चाहिए। अगर आप एक क्रिएटिव हैं, तो दायरे के बाहर सोचकर अपने आप पर सच्चे बने रहें दोस्तों, लेकिन अपने आइडियाज को क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव रहें जितना आप कर सकते हैं। अगर आप एक कनेक्टर हैं, तो पक्का करें टीम के मेंबर्स के बीच खुल सके, उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दे रहे हो। लास्ट में अगर आप एक पाइनियर हैं, तो आपका एम स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट पर अपनी नजर रखना है और हार्ड डिसीजन लेने के लिए हरदम खड़े रहना है दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा अपनी सबसे डोमिनेटिंग वॉइस का यूज करना चाहिए। असल में आपकी सेकेंडरी वॉइसेस अक्सर नए नजरिए का सोर्स होंगी। ऑथर स्टीव कॉकरैम को ही ले लीजिए। वह नेचुरली एक पाइनियर हैं, हालांकि उनमें नर्चरर और गार्जियन की क्वालिटीज भी हैं। वक्त के साथ उन्होंने खुद पर काम किया ताकि वह अपना लगभग 70% वक्त एक पाइनियर मोड में बिता सके, जिससे वह अपने स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग के काम को पूरा कर पाए और बुक्स एडिटिंग या लीगल एग्रीमेंट्स की चेकिंग करने जैसे कामों के लिए उन्होंने
अपनी सेकेंडरी वॉइस पर स्विच किया। तो अब आप सभी को 5 अलग अलग वॉइसेस के बारे में पता है दोस्तों, कि वह किस बारे में है और उन्हें टीम सेटिंग में कैसे लगाया जाता है। और पर्सनल लाइफ में इस नए ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि सबसे डिफिकल्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना कितना ईजी भी हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में इस बुक समरी के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, नर्चरर्स अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी खुद की परवाह नहीं करते। वे अक्सर दूसरों की जरूरतों को अपने से आगे रखते हैं और उन एनवायरनमेंट्स में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जहां मर्सी और शेयर्ड वैल्यूज पहली आती हैं। नर्चरर्स का मानना है कि लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिव्स भी दूसरों को अपने आइडियाज को समझाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जब क्रिएटिव्स अपने आइडियाज को प्रोसेसेस करने के लिए ज्यादा लॉजिकली समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका नजरिया अक्सर उनकी ऑडियंस को ठंडा या कंफ्यूज कर देता है। क्रिएटिव्स के लिए यह एक पेनफुल एक्सपीरियंस है और यह अक्सर उन्हें अपने आप पे वापस ले जाता है। तीसरा पॉइंट, गार्जियंस अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सा टाइम, एनर्जी और मनी बचाते हैं, जो किसी और डेड एंड प्रोजेक्ट पर खर्च किए जा सकते हैं। वह बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन गार्जियन एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके उन लापरवाह जोशीले डिसीजन के बीच खड़े होते हैं जो एक ही दिन में ऑर्गेनाइजेशन की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, कनेक्टर्स लोगों को एक साथ लाते हैं, नए रिलेशनशिप बनाते हैं और मौजूदा रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं। आप कनेक्टर्स को उनकी बातूनी बातों के साइन से पहचान सकते हैं। यह हमेशा एक्सीलेंट मोटिवेटर होते हैं और लगभग हर एक्टिविटी के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं। पांचवा पॉइंट, कनेक्टर्स लोगों को एक साथ लाते हैं, नए रिलेशनशिप बनाते हैं और मौजूदा रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखते हैं। आप कनेक्टर्स को उनकी बातूनी बातों के साइन से पहचान सकते हैं। यह हमेशा एक्सीलेंट मोटिवेटर होते हैं और लगभग हर एक्टिविटी के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, 5 अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेटिव स्टाइल्स या वॉइसेस होते हैं। ये 5 अलग अलग कैरेक्टर टाइप से रिलेटेड होते हैं, लाइक द नर्चरर, द क्रिएटिव, द गार्जियन, द कनेक्टर और द पाइनियर, जिनका हर एक का ग्रुप सेटिंग में अहम रोल होता है। चाहे वह एक फैमिली हो या एक कंपनी टीम हो या एक ग्रुप हो, यह तब अपने सबसे अच्छे फॉर्म में होते हैं जब हर एक यूनिक वॉइस को सुनने का मौका दिया जाता है और सभी को लगता है कि उनके आइडियाज को ध्यान में रखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024022331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।